आज हम सब भयानक महामारी के बीच में भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा शांतिदाता परमेश्वर अपने शांति के वचन को हमारे घर तक पहुंचाए। इसके लिए माता मंडली रांची ने ऑनलाइन आराधना की व्यवस्था की है। आप सभी विश्वासियों का इस आराधना में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस घड़ी आराधना को आरंभ करते हुए प्रभु के वचन से आह्वान वचन के रूप में सुनेंगे, जो हमें मिलता है भजन संहिता 66 उसके प्रथम दो पद। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। आमीन। आराधना का पहला गीत आइए हम गाएंगे, गीत नंबर 66, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब गाओ ख्रिस्त की होए जय। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। जैसा हुआ
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता के साथ अपने सारे पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृत्यु में से उठाया तो तू निश्चय त्राण पाएगा। रोमी 10:9। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। हमारे संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब अशुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है, तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो आपसे सदा लो। आमीन। इस घड़ी आज के निमित्त जो वचन ठहराया गया है पहला पाठ वचन के रूप में, उससे हम सुने योहन्ना की पहली पत्री उसके चौथा अध्याय उसके पद 9 से आगे 14 पद लो। पहला योहन्ना अध्याय 4 पद 9 से आगे 14 पद तक। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ ऐसा मिलता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं।
प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब हम परमेश्वर से ऐसा प्रेम हमने से प्रभु ने किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करके भेजा है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर के एक साथ यों कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके एक लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिनी हाथ बैठा, जहाँ सिवा जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 324, साक्षी वाणी से गीत गाएंगे, गीत नंबर 324। प्रभु महान, विचारों का तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। Yeah.
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में हम आपके इतने प्रियजन अपने अपने घरों में रह करके प्रभु आपकी स्तुति महिमा धन्यवाद करने पाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी समय जब हम आपके पवित्र वचन पर मनन ध्यान करते हैं प्रभु, हम आपकी अगुवाई और आशीष चाहते हैं। आप ही स्वयं हमें से हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए और उन्हें दे कि इस कोरोना जैसे महामारी संकट की घड़ी में प्रभु हम आपके वचन से प्रेरणा प्राप्त करें और मसीह जीवन, मसीह विश्वास और मसीह सेवा की गवाही देने पाए। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। जैसे सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन सुने जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 16 और पद संख्या 16 से आगे 24 पद तक। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों में आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहां तक आमीन। मसीह प्रियो, आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना या उस समय की घटना है जब यीशु मसीह इस संसार से विदाई लेने वाले थे। आज हम पूरे विश्व में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन यह उस समय की बात है जब यीशु मसीह को फिजिकल डिस्टेंसिंग की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। और इस बात से यीशु मसीह भलीभांति परिचित थे और इसलिए अपने चेलों को वह तैयार करते हैं कि वे उस परिस्थिति में वे विश्वास में धीरज धर के आगे बढ़ने सकें तथा वे यीशु मसीह की गवाही वे दे पाए। इस बात के लिए वे उन्हें शिक्षा देते हैं। पूरे यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के पूर्व की अध्याय को पढ़ेंगे, 15 अध्याय, 16 अध्याय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में से है। मसीह प्रियो, ये बात यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। या स्पष्ट है कि यीशु मसीह इस संसार से विदाई लेने की बात को यहाँ चर्चा करते हैं और यीशु मसीह उस संदर्भ में इस बात को कहते हैं जहाँ पे यहूदियों का विश्वास या था कि संसार
एक काल है, संसारिक जीवन एक ऐसा काल है जो वे जीते हैं, लेकिन इसके बाद एक ऐसा काल आएगा जिसमें परमेश्वर का राज्य होगा, उसे गोल्डन एज ऑफ गॉड भी कहा गया। परमेश्वर का राज होगा मसीह प्रियो, और इन दोनों राज्यों के राज के बीच में या कालों के बीच में एक ऐसा काल होगा जिसे टेरिबल डे कहा गया, भयंकर दिन या भयंकर समय या संकट का समय कहा गया। और यहूदी लोगों का विश्वास था, और पुराने नियम में भी यदि हम ईसाया 13 अध्याय पढ़ेंगे, योएल दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, और दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय यदि हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि वह टेबल डे भयंकर दिन का जो समय होगा वह कैसा होगा। दुनिया अंधियारा हो जाएगा, कई एक विपत्ति संकट जो है इस पृथ्वी पर आएगी, ऐसी बातें उस समय कही गई थी, भविष्यवाणी की गई थी। और हम देखते हैं कि उन्हीं बातों को यीशु मसीह यहाँ दोहराते हैं। उस समय को कहा गया वह प्रसव पीड़ा के समय का समय जैसा होगा। उनका विश्वास था कि मसीहा का आना होगा, और वह समय जो होगा मसीहा के दिनों का प्रसव पीड़ा का समय के समान होगा। और इसलिए यीशु मसीह उन्हें तीन विशेष आत्मिक दृष्टिकोण प्रदान करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से जब चेले उस दुख और संकट की घड़ी में जब आएंगे तो उस समय आत्मिक बल प्राप्त करते हुए मसीह की ओर, प्रभु की ओर दृष्टि करते हुए वे मसीह की गवाही दे पाएंगे। और इसलिए आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है ट्रांसेंडिंग द होराइजन ऑफ आवर विजन अमिड्स ट्रायल्स एंड डेंजर्स। क्लेश और संकट के बीच हमारी दृष्टि के सीमा से परे देखना। मसीह प्रियो, वे अब तक यीशु मसीह को फिजिकली वे देख रहे थे, यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह की उपस्थिति में थे, यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, भीड़ के भी यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे मसीह प्रियो। परंतु अब स्थिति बदलने वाली है, यीशु मसीह उनके संग या फिजिकल नहीं होंगे और उनके परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होंगी। तीन विशेष आत्मिक तथ्य जो यीशु मसीह उन्हें सिखाते हैं वह आज हम में से हर एक के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहली बात है इरिवर्सिबल लव ऑफ गॉड। इरिवर्सिबल लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो प्रेम है वह अपरिवर्तित है। परमेश्वर का प्रेम जिसे कोई बदल नहीं सकता। संसारिक स्थिति परिस्थिति बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, हमारे मित्रगण बदल सकते हैं, हमारे प्रियजन बदल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह का जो प्रेम है या परमेश्वर का जो प्रेम है वह कभी बदलता नहीं। इस बात की चर्चा यीशु मसीह यहाँ करते हैं। यीशु मसीह प्यार से भरे हुए हैं और वह चिंतित हैं, दुखित हैं कि वे शारीरिक रूप से उनसे अलग होने वाले हैं, और इसलिए वे कहते हैं थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर तुम मुझे देखोगे। मसीह प्रियो, आगे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, संसार जो है आनंद मनाएगी परंतु तुम्हें क्लेश होगा, संसार आनंद मनाएगी पर तुम्हें क्लेश होगा। या संसारिक जीवन जो है जिसमें लोग आनंद मनाएंगे, लेकिन चेलों के जीवन में क्लेश और संकट आने वाले थे। परंतु उन्हें ढाढ़स देते हुए कहते हैं तुम्हें शोक होगा परंतु ढाढ़स मांगो, तुम्हारा क्लेश शोक आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। योर सोरो विल टर्न इनटू जॉय। मसीह प्रियो, एक ऐसे अद्भुत परमेश्वर का प्रेम की गवाही यीशु मसीह के द्वारा यहां दी जाती है कि वे परमेश्वर के प्रेम के बंधन में वे बांधे रहेंगे, संकट की घड़ी में भी परमेश्वर का प्रेम उन पर प्रकट किया जाएगा। और इसलिए यदि हम रोमी 8:35 पद यदि हम पढ़ेंगे, वहां लिखता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या संकट, क्या क्लेश, क्या विपत्ति, क्या जोखिम, क्या नंगाई, क्या भूख, क्या मृत्यु, कौन ऐसी बात है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। मसीह प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर का प्रेम जो अपरिवर्तनीय है उसे यीशु मसीह उन्हें बताते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं। दूसरी बात है इनविंसिबल
joy of Jesus Christ, invincible joy of Jesus Christ, यीशु मसीह का आनंद जिसे कोई हरा नहीं सकता। मसीह प्रियो, यीशु मसीह का प्रेम ऐसा अद्भुत है जिसे कोई हरा नहीं सकता, इसे कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा अद्भुत प्रेम यीशु मसीह का है। यूहन्ना 15 अध्याय में ही यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा दिए कि उनका जो संबंध है वह कैसे है, वह अपने प्रियो से वह कैसे प्यार करते हैं और उनके लिए अपने प्राण को भी बलिदान कर देते हैं। इनविंसिबल जॉय ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह प्रियो, जब हम संसार में हैं तो कई प्रकार की परिस्थितियां हमें परेशान करती है, हम दुखित होते हैं, हम चिंतित होते हैं। आज जब पूरे विश्व में कोरोना जैसे महामारी बीमारी है, हम दुखित हैं, हम चिंतित हैं, हम शोकित हैं। परंतु मसीह प्रियो, जो परमेश्वर का प्रेम है वह इनविंसिबल है, उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमें प्रकट किया गया है। यीशु मसीह की उपस्थिति में, यीशु मसीह की संगति में, यीशु मसीह के साथ साथ चलने में वास्तव में मसीही आनंद है। ऐसा आनंद है इसे कोई छीन नहीं सकता, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो आनंद मैं तुम्हें देता हूं वह कोई तुमसे छीन ना लेगा। यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार, जो अनंत जीवन, जो प्रेम हमने प्राप्त किया है उसे कोई छीन नहीं सकता। और इसलिए भजन संहिता 16 उसके 11 पद में दाऊद कहता है कि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है। आज हम घर में, अपने अपने घरों में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, उसकी संगति में हैं, तो निश्चय मसीह का आनंद जो है हमारे संग है। यह हमें बल प्रदान करता है या हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। महान फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स के विषय कहा जाता है, उन्होंने कहा रिलीजन इज एन अफीम, धर्म लोगों का अफीम के समान है। कार्ल मार्क्स तो धर्म को नकारात्मक दृष्टिकोण से यह बात कही, लेकिन मसीह प्रियो वास्तव में यह बात मसीहों के लिए बहुत ही सटीक बैठता है, क्योंकि हम हमारे जीवन में जब संकट क्लेश आती है तो हम दुखित नहीं होते, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में हम जाते हैं और हमारे अंदर आशा और विश्वास होता है, हम आनंद मनाते हैं, आनंद करते हैं। यीशु मसीह उदाहरण दिए कि प्रसव पीड़ा में जब माता होती है तो यह दुखदायी परिस्थिति होती है, परंतु जब वह बालक उत्पन्न करती है वह पहले का जो पीड़ा है उसे भूल जाती है। हम मसीही होकर के, हम संकट के समय जब हम गुजरते हैं, इतिहास गवाह है, कलीसिया इतिहास गवाह है। हम इतिहास में कहते हैं या महान कथन कही गई है, द ब्लड ऑफ द मार्टिर इज द सीड ऑफ द चर्च, शहीदों का खून कलीसिया की बीज है। आज हम उसकी गवाही देते हैं, चाहे कैसे भी पीड़ा क्यों ना हो, हम प्रभु की ओर हम निहारते हैं, हम देखते हैं। यदि हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे तो वहां स्टीफनुस के विषय वर्णन मिलता है कि लोग स्टीफनुस को पत्थरवाह कर रहे थे, मृत्यु की दशा में भी वह स्वर्ग की ओर देखता है, मृत्यु की दशा में भी वह परमेश्वर को देखता है, यीशु मसीह को उसके दाहिनी ओर खड़े हुए देखता है। संकट घड़ी में हम प्रभु की ओर ताकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मसीह का जो आनंद है, जॉय है। तीसरी बात यीशु मसीह उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं वह तो है इंटेलिजिबल नॉलेज ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वह ज्ञान जिसे हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकें। यीशु मसीह कहते हैं उस दिन, 23 पद में कहते हैं उस दिन तुम ना पूछोगे, उस दिन तुम मुझे कुछ ना पूछोगे, क्योंकि मसीह का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। यीशु मसीह अपने चेलों को पहले से ही शिक्षा दे चुके थे कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, वह तुम्हें सब बातें वह बताएगी, जो मेरी बातें हैं वह तुम्हें बताएगी। आज जब हम कोरोना जैसे महामारी बीमारी से परेशान है, कई प्रकार के आत्मिक सवाल हमारे जीवन में हैं, कई प्रकार के ऐसे सवाल हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसे परिस्थिति क्यों है, हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने परिजनों के जीवन में कई एक परिस्थितियों को देखते हैं, संसारिक जीवन में देखते हैं, और ऐसे कई एक सवाल है जिसका उत्तर हमें नहीं मिलता,
लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं समय आएगा उस दिन तुम कहोगे ना पूछोगे कि ऐसा क्यों। मसीह प्रियो हमारा विश्वास है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हर एक बातों का जवाब हमें मिल जाएगा क्योंकि हम मसीह के संग होंगे। आगे वह कहता है कि तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब हम प्रभु की संगति में आते हैं हमें उसकी संगति का ज्ञान का अनुभव होता है क्योंकि हम मसीही यीशु मसीह के साथ एक हो गए हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मसीह के साथ हमारी संगति एक हो गई है और इसलिए जो कुछ भी हम मांगते हैं वह हम पाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मांगते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु की प्रार्थना में भी हम इस बात को देखते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं, परमेश्वर के राज को हम मांगते हैं। इन तीन विशेष शिक्षाएं मसीह प्रियो आज हमें से हर एक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम साक्ष्यवाणी गीत में हम गाते हैं 129 में क्रोध का दिन है आने वाला। आज की परिस्थिति निश्चय महामारी की परिस्थिति है, संकट की परिस्थिति है, टेरिबल समय की परिस्थिति है जिसमें हम गुजर रहे हैं। इसकी भविष्यवाणी ईसाया भविष्यवक्ता के द्वारा, अमोस भविष्यवक्ता के द्वारा पहले से ही कर दी गई थी। उस समय की जो भविष्यवाणी की गई थी उसमें पृथ्वी के विषय कही गई थी, पृथ्वी कांप उठेगी, अंधियारा हो जाएगा, लोग आराधनालय नहीं जा पाएंगे, वह बंद कर दिया जाएगा, आराधनालय जो है वह लॉकडाउन हो जाएगा, लोग पड़े रहेंगे। ऐसे कई एक बातें जो है आज हम अपने इस वर्तमान के समय में हम देख पाते हैं। लेकिन मसीह प्रभु हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन वही है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वह प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता। और इसलिए इब्रानी 13 और उसका 8 पद में लिखता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वह कल आज और युगानुयुग एक सा है। भजन संहिता 121 और इसलिए हमें अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाने की आवश्यकता है। परमेश्वर का प्रेम का अनुभव हमने किया है, परमेश्वर का आनंद हमने किया है। उसकी संगति में जब हम आते हैं, उसकी उपस्थिति में जब हम आते हैं तो मसीह का प्रेम और आनंद का अनुभव हम करते हैं। आज जबकि चर्च लॉकडाउन है लेकिन हम इनविजिबल चर्च होकर के आज पूरे विश्व में मसीही संगति हम कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमें ऐसा नाम दिया गया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। फिलिपी 4:4 में भी हम 4 से आगे हम पढ़ते हैं कि हम अपने विनती प्रार्थना निवेदनों को प्रभु के सम्मुख हम ला सकते हैं और उसके द्वारा उसी की जो शांति है समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है हमें से हरे के हृदय में वह वास करेंगी। आइए हम अपने सांसारिक बातों को जब हम देखते हैं तो उससे हम भयभीत ना हो लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार हम विश्वास से चलें, हम विश्वास से चलें। हम सामरी स्त्री के विषय में पढ़े हैं उसे इस मसीह ने कहा कि मैं जो जल तुम्हें देने वाला हूँ अनंत काल तक तुम्हारे हृदय से बह निकलेगा। मसीह का आनंद मसीहों के जीवन से बहना चाहिए। यह पत्रस को हम देखते हैं जब वह यीशु मसीह को नदी में झील में चलते हुए देखते हैं, वह भी चलना आरंभ करता है। चलते चलते वह जब संसार की ओर देखता है वह गिरने लगता है। हम संसार को देखते हुए नहीं लेकिन प्रभु की ओर ताकते हुए आगे बढ़े। प्रभु अगुवाई करे, हमें यह दृष्टिकोण प्रदान करे कि हम अपने संसारिक परिस्थितियों से परे हम प्रभु की ओर हम देखें और मसीह जीवन में मसीह विश्वास में हम यीशु मसीह की गवाही हम देने पाएं। प्रभु हम इस वचन के माध्यम से बहुत से आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके गवाही के लिए, आशीष के लिए और आज के इस सुंदर समय में आपके पवित्र वचन पर हम मनन ध्यान करने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं हमें बल शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि संकट और विपत्ति की घड़ी में भी प्रभु हम आप पर आशा भरोसा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएं और प्रभु आप ही की संगति में हम बने रहने पाएं। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, जैसे सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए।
और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उठ है मसीह यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करें अब से सदा हो आमीन। हम लोग तीसरा आराधना का तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 102। गीत नंबर 102, यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का सहनिहार, उसकी शरण हम ले सकते साहस करके सारे भार। मंडली खड़ी हो जाए, आइए हम इस घड़ी अंतिम प्रार्थना करें। प्रभु के वचन को हम स्मरण करें जो यशया 41:10 में हम सबों को शांति का वचन दिया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमेशा संभाले रहूँगा, आमीन। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उद्देश्य में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रांत के गवर्नर
और मुख्यमंत्रियों राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों सब न्यायों और हाकिमों अब सब राजकर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारे भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं सेंट्रल काउंसिल डायसन काउंसिल सीआरसी और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम ख्रिस्तिया प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाए। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उदम को सफल कर जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है उनको शांति दे। हे प्रभु हमारे देश एवं राज्य में सेवा करने वाले डॉक्टर्स नर्सेस एवं सफाई कर्मियों पर तू अपनी दया दृष्टि कर जो इस महामारी के बीच में लोगों की सेवा में तत्परता से लगे हुए हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा में रख क्योंकि वे अपने परिवारों को छोड़कर लोगों को स्वस्थ रखने में सहयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार प्रशासनिक सेवा में लगे पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों के संग होले जो दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें ढाढ़स दे कि वे तेरे सुरक्षित हाथों से संभाले जा करके बाखूबी सेवा कर सके। हमारे राज्य से अपने जीव को वर्जन के लिए दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए हुए लोगों की शुद्धि ले जो लॉकडाउन के कारण अपने घरों की ओर पैदल ही निकल पड़े हैं और भूख और प्यास के और संकट में पड़े हैं। उन पर कृपा दृष्टि कर कि वे अपने परिवारों तक कुशलता के साथ पहुंच सके। हे प्रभु हम यह भी धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया में चाहे मंडली के अंतर्गत जितने भाई बहन को प्रभु ने मृत्यु के द्वारा अपने पास बुला लिया उनके शोकित और दुखित परिवार को प्रभु तू शांति दे ताकि वे शांति के साथ परमेश्वर को फिर से अपना उद्धारकर्ता समझ करके आज उनके संग हो ले और वही शांतिदाता ईश्वर है या जानकर उसमें समर्पित हो जाए। प्रभु हम यह भी धन्यवाद देते हैं जन्म दिवस इस संकट की घड़ी में हमारे प्रियजन नहीं मना पाते। शादी सालगिरह बहुतों का हो चुका उन सभी उत्सवों को मनाने में वे कामयाब नहीं हुए अपने घरों पर है। प्रभु परमेश्वर उन उत्सव के दिनों में भी उन सबों के साथ बोले बहुत परिवारों में बच्चों का दान दे करके आनंदित किया है। प्रभु जिन जिन परिवारों में बच्चों का दान दिया है कुशलता के साथ उन बच्चों को माता पिताओं को सहायता करके अगुवाई कर प्रभु तेरे पवित्र हाथ में संभाले जा करके उस आशीष को अनुभव करने पाए जो प्रभु उन सबों को देता है। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्जवला प्रकाश कर। हमको अपश्चाताप की मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए तेरा राज आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। सहाय।